most of us in the classroom. They don't think he exists in IT. करीब दो दशक पहले केवल टेलीविजन से हम लोग चीजों को जान पाते थे और अब जो वर्तमान में स्थिति है कि टेलीविजन की न्यूज बाद में मिल पाती है और उससे पहले ही नेट से बच्चे ने उसको एक्सेस कर लिया और कई बार ऐसा होता है कि हमारे टीचर्स जो चीज बुक से पढ़ के बता रहे हैं उससे पहले ही बच्चा जो है जो बैठा हुआ है उसमें और रिसेंट क्या चेंजेस हो गए हैं वो उसको जान के बैठा हुआ है। कितना बढ़िया है कि हमें री इन्फोर्समेंट उसके नॉलेज में जो हम देना चाहते थे वो ऑलरेडी कि दूसरी ओर आईटी एक्ट के तहत हमें इस लिविंग सोसाइटी को जिसमें हमारे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और अभी मैं आपसे वो अपने बेटे के संबंध में बेटी के संबंध में जिक्र कर रही थी कि ये चीजें खासतौर से मॉडर्न सोसाइटी और लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। उस स्ट्रेस में हम थोड़ा सा ये और जोड़ दें कि बच्चों को और स्ट्रेस है जिन बच्चों को जिन्हें हम डील करते हैं उनके पास और ज्यादा स्ट्रेस है और इस स्ट्रेस को हम कैसे ओवरकम कर सकें इस पर हम इस आईटी के इंटरवेंशन में उनको उनकी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में कैसे चैनलाइज कर सकें हम इस पर आज विशेषज्ञों का विचार जानने के लिए और सोसाइटी के साथ सभी स्टेक होल्डर्स से इस पर एक सार्थक चर्चा करने के लिए देखने में तो छोटा ग्रुप लग रहा है लेकिन इंटेलेक्चुअल्स का एक ग्रुप है जो बहुत सार्थक एक आउटकम देगा। हम इसमें दो तीन बिंदुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। ये सही है कि हमारे पास जो बच्चे आते हैं या सोसाइटी के लोग जो टीचिंग प्रोफेशन में आते हैं वो सबसे पवित्रतम प्रोफेशन है। नहीं ज्ञानी ने सदिशम पवित्र में ही विद्यते बहुत पहले वेद व्यास जी ने कहा था। जो सबसे पवित्रतम चीज है वो ज्ञान है और ज्ञान इन्हीं शिक्षालयों में इंस्टीट्यूशंस में चाहे स्कूल लेवल पर हो चाहे हायर लेवल पर हो वो हम देते और इसलिए हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के प्रति होती है वो दूसरे स्टेक होल्डर्स की तुलना में सोसाइटी हमें बड़ी आशा भरी नजर से देखता है बिकॉज़ वी आर डीलिंग विद एजुकेशन एंड रोल ऑफ एजुकेटर सोसाइटी में अनडाउटेडली ये बहुत पहले से एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि सबसे ज्यादा अगर आशा भरी नजर से कोई कहीं देखता है तो सोसाइटी में एजुकेशनिस्ट को देखता है। वो क्या हो पाथ वियरर है वो एक किस तरह से लाइफ वियरर है और ऐसे में जब हम बच्चे पर चाहे सिलेबस के बोझ से चाहे एग्जामिनेशन के बोझ से चाहे रोज के क्लास वर्क और होमवर्क एग्जामिनेशन और सीरीज ऑफ एग्जामिनेशन फ्रॉम वेरी बिगनिंग फ्रॉम 16 ईयर टू 15 ईयर टू टिल डेट एज एन यंग कैन अचीव वो जब तक कहीं अपने आकांक्षाओं के रूप सेट नहीं हो जाता तब तक उसके एक बार एग्जामिनेशन के स्ट्रेस और बोझ है
और इसलिए हमें इस स्ट्रेस को जो बच्चे देख रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसमें इस साइबर का कितना रोल है हमें यह देखना पड़ेगा। और जब हम एज ए सोसाइटी रिस्पॉन्ड करते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि मदर फादर भी आपस में चैटिंग के माध्यम से भी बताते हैं कि हम पहुंच रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम इवन टेबल पर भी मदर फादर से जो बात करती है तो मोबाइल बात कर रही है फादर पर, ये बात बच्चा देख रहा है। और सबसे पहला एजुकेटर मदर फादर ही है, फिर देन टीचर। जब यह बात बच्चा देख रहा है, आपकी पॉजिटिव चीजें देख रहा है, तो आपकी नेगेटिव चीजें भी ऑटोमेटिक उस पर ट्रांसफॉर्म हो रही है। ये चीज हमें नोटिस करनी होगी। और जब से फैमिली न्यूक्लियर होते गए, मॉलिक्यूलर से हम माइक्रो मॉलिक्यूलर से हम जब न्यूक्लियर फैमिली में जैसे आए, वहां यह क्राइसिस और ज्यादा बढ़ गई कि लोगों के पास समय नहीं है। ऐसे में जो नेट से एक्सेस हो रहा है वही उसका फ्रेंड है, वही उसका फिलासफर है। और जब वहां से वो चीजें आ रही हैं और फैमिली में मदर और फादर की लेट नाइट विभिन्न प्रोग्राम्स देख रहे हैं, तो जाहिर है फिर सुबह उनको चाहे ऑफिस आना हो चाहे स्कूल आना हो, निश्चित रूप से वो उसको रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि बायोलॉजिकल साइकिल तो सबकी होती ही है, 6 घंटा 5 घंटा सबको वो समय चाहिए। तो जो हमारी ये लाइफ स्टाइल है वो आईटी की वजह से किस तरह से अफेक्ट कर रही है, हम इस पर चर्चा करने के लिए और इससे एक आउटकम लेने के लिए और इसमें हम सोसाइटी को एक पॉजिटिव डायरेक्शन देने के लिए ये आयोजन जो राजभवन ने किया है, मैं यहाँ इंटेलेक्चुअल्स का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि इससे एक आउटकम ऐसा मिलेगा जो कि ट्रांसफियरल होगा, पॉइंटरिंग होगा, न सिर्फ इस स्कूल के लिए बल्कि सारे नोएडा के, ग्रेटर नोएडा के, पूरे गौतम बुद्ध नगर के स्कूलों के लिए।